उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों और उत्तराखंड वासियों ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री के साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गए हैं। सीएम धामी दुबई के बाद अबूधाबी भी जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम धामी भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा करेंगे। दोनों जगहों से उत्तराखंड सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए करार होने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड निवेश का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश से रोजगार के अधिकाधिक मौके बनेंगे। इससे उत्तराखंड के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 8-9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित की है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े, आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। और आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति जिसमें उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अनेकों राज्यों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।